माइक लो आप नजदीक आओ। दो बातें बड़ी ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, अपना नाम अपनी समस्या धाम पर कार्यकर्ताओं को सेवादारों को किसी को ना बताएं, वरना पाप के भागीदार आप होंगे। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, जब अर्जी लगेगी नाम सहित लेकर बुला लिया जाएगा। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। आप तो आप, बागेश्वर बालाजी की सामर्थ्यता यह है, आप बैठे रहिए राम नाम का जप करते रहिए, आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर भी बुला लिया जाएगा। जय जय श्री राम। और ये कैसे होगा, कौन करेगा? लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क, पर अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर विश्वास करें। आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या लिखा है? ये बैग वाली माता जी को आने देना है, जो बैग लिए हैं इनको आने देना है। और दूसरी बात सुन लीजिए, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें। क्या करें बोलो? पढ़ें। लेकिन आज तक के इतिहास में जो पर्चे पर लिख दिया वो आज तक गलत या कटा नहीं, यही हनुमान जी की दया है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहां आइए, कहां से आना हुआ है? गुरुजी प्रतापगढ़ यूपी। पहली बार आए हैं? नहीं गुरुजी, अब की बार चौथी बार। अच्छा, बिना कथा से जुड़े हैं आपसे गुरुजी। हमको विश्वास नहीं था कि आप आज बुला लेंगे गुरुजी। मम्मी ने आपके लिए प्रसाद बना के भेजा था, गुरुजी मिलेंगे देना। हम कहे नहीं मिलेंगे, इतना हम भाग्यशाली नहीं, हम अभागा, हमसे नहीं मिल पाएंगे गुरुजी। नजदीक आओ, कोई बात नहीं। आप कोई पर्चा लेकर आए हैं? हाँ गुरुजी। खोलिए आप अपना पर्चा, हमने भी तुम्हारा पर्चा बना रखा है। गुरुजी बालाजी हमारे बाप हैं। ठीक, और बोलो गुरुजी। बस आपकी जीवन भर प्रश्न बोलो गुरुजी। बस रोजगार के लिए परेशान बहुत है, बहन बीमार है गुरुजी, रोजगार के लिए बहुत परेशान है। परिवार में दो भाई हैं, दोनों को रोजगार लग जाए, मातारी और बहन दोनों स्वस्थ रहें, बहन को नेक घर मिल जाए, बस सरकार यही आपकी कृपा बनी रहे हमारे। ठीक है, लेकिन हमारे पर्चे में जो आया वो हम पढ़कर बताते हैं और आप पढ़िएगा। आपने प्रारंभ में अपने पर्चे पर लिख रखा है जय बागेश्वर धाम, जय जय श्री राम। और आपके टोटल प्रश्न हैं पांच। जी गुरुजी। कितने प्रश्न हैं? पांच। पांच प्रश्न आप अपने पर्चे पर लिख करके लाए हैं। प्रारंभ में जय बागेश्वर धाम लिख रखा है, आपके घर में उत्पात मचा है, बहन की बीमारी व विवाह की मंगल काज की अर्जी लेकर आए हैं, परिवार का आर्थिक उन्नति होगा, भाइयों को जॉब योग बनेगा, स्थायित्व बनेगा, कलेश नहीं होगा, पेट की व सिर की दिक्कत आपकी ठीक होगी, माँ ठीक रहेगी, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम, बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की। एक बात और, कई जगहों पर हुआए हैं। हाँ गुरुजी। कई जगहों पर आपने दिखवा लिया है, कई जगहों पर आपने अर्जी लगाई है। आपके यहाँ पर शीतला माता पूज्य हैं। अच्छा, माता शीतला, इनकी पूजा में बंधन है, पूजा कोई कर नहीं रहा। इनके बारे में आपके घर के बड़े बूढ़ों को तो पता है, परंतु आपको भी पता नहीं है। और इनका स्थान, इनके कुल का, आपकी ये कुल की है, इनकी पूजा दोनों आपसे दूर हैं। माता शीतला का उपाय करिए, उनको प्रार्थना करिए, उनका पूजन करिए। 2024 में जॉब योग बन रहा है, आशीर्वाद। जय जय श्री राम, बालाजी सरकार की। गुरुजी कुल देवी को पूजा कैसे करें बता देते हैं वो भी। साधु जी सीताराम,
आपको पेट में अपच बनती है जी गुरु जी, सिर पे बोझ बनता है जी गुरु जी, बहुत ज्यादा कभी कभी बहुत फटने लगता है, आंखों से आंसू एकदम से आने लगते हैं। हाँ गुरु जी। कोई जैसे बैठ जाता हो जी गुरु जी, यह हरकत लगातार 3 साल से हो रही है जी गुरु जी। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, शीतला माता का उपाय हमने पर्चे में लिख दिया है जी गुरु जी। शीतला माँ को आपको नींबू चढ़ाना है जी गुरु जी, और नीम का गुच्छा जानते हो जी, नीम का वो जो गुच्छा होता है तोड़ करके, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में उसको लोचा कहते हैं जी, जो बूंदी पड़ती है, नीम, नीम के पेड़ का टहनी का छोटा सा तोड़ लिया जाता है, हमने इसमें लिख दिया है वैसे, नीम का गोछा चढ़ाना है और नीम के गोछे के साथ साथ दोनों पर्चों में हमने पूरा लिख दिया है उपाय जी। गुरु जी शीतला माता कहाँ चढ़ाओ मंदिर? किसी भी नीम के पेड़ के पास जी। ये 2 पर्चे हैं आपके, एक में पूरे में उपाय लिखा है और एक में पूरी आपकी जो अर्जी लगी थी वो, दोनों पर्चों में जो दूसरा वाला पर्चा है उसके नीचे की लाइन वाला पूरा उपाय, कुछ बातें ऐसी हैं जो माइक से बोलने योग्य नहीं है, पढ़ लो, तुम पढ़े लिखे हो, इनको आपको देना ही है सबसे लास्ट। हाँ ठीक, चलो खुश रहो, उठो, दूर से प्रणाम करो, बहुत आशीर्वाद।